देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम लॉजिकल ऑपरेशन जो है अपने लॉजिकल ऑपरेटर से कर देते हैं, जैसे ए वन इज ग्रेटर देन बी वन, तो ये लॉजिकल जो कंडीशन हमने लगाई है इसको लॉजिकल एवेल्युएशन टेस्ट बोलते हैं, जिसका रिजल्ट जो है ट्रू फॉल्स में आता है। ठीक है जी, इस ट्रू फॉल्स के रिजल्ट के ऊपर अगर आपको खाली जानना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो आप खाली लॉजिकल ऑपरेटर्स में ऊपर वाला जो मैंने किया फॉर्मूला वो यूज कर सकते हैं विदाउट इफ के। बट आपको कुछ ऑपरेशन करवाने हैं उस लॉजिकल टेस्ट के ऊपर कि अगर ट्रू आए तो कुछ आपने प्रोग्राम किया कि ये चीज करे। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही नैया जी? बाकी सबको स्क्रीन दिख रही है? आप एक बार फिर से वो करके कीजिए, लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। बाकी सबको दिख रही है? जैसा कि मैं बता रहा था कि ये तो हो गया आपका लॉजिकल एवेल्युएशन टेस्ट। नेक्स्ट जो है आपके पास इफ का फॉर्मूला क्या करता है, इसके अंदर अगर आप ये स्क्रीन टिप में देखेंगे तो पहला है लॉजिकल टेस्ट। इस लॉजिकल टेस्ट के ऊपर आपका जो दो और पैरामीटर है, अगर इसमें ट्रू आता है तो वैल्यू इफ ट्रू वाला सेक्शन चलेगा, अगर फॉल्स आता है तो वैल्यू इफ फॉल्स वाला सेक्शन चलेगा। सपोज जो लॉजिकल टेस्ट है हमने इसका रिजल्ट ले लिया यहां से, देखिए लॉजिकल टेस्ट जो है ये इसको खाली ट्रू फॉल्स में रिजल्ट चाहिए, अगर आप ट्रू वैसे भी लिख देंगे तो भी ट्रू वाला चल जाएगा, तो मैंने इसलिए रेफरेंस लिया है जो लॉजिकल टेस्ट में ट्रू फॉल्स से हम कर सकते हैं। ठीक है जी, नेहा जी अब दिख रही है? आपकी नहीं, नहीं ऐसा कोई परमिशन का चक्कर ही नहीं होता इसमें मैम, इसमें तो सीधा कनेक्टेड होता है। हो सकता है नेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि वॉइस के लिए इतना स्पीड नहीं चाहिए, बट अगर आपका नेट अगर थोड़ा स्लो हो रहा होगा तो ये प्रॉब्लम कर रहा होगा। ठीक है जी, स्क्रीन बाकियों को क्योंकि दिखाई दे रही है, सेम सिस्टम है और कोई होता नहीं। हाँ तो मैं वही कह रहा था। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। इफ का फॉर्मूला क्या करता है, लॉजिकल टेस्ट लेता है पहला, दूसरा वैल्यू इफ ट्रू में वो होता है, अगर यहाँ पे हमारा लॉजिकल टेस्ट ट्रू है तो वैल्यू इफ ट्रू का सेक्शन चलेगा, और अगर यहाँ पे वैल्यू फॉल्स है तो हमारा वैल्यू इफ फॉल्स वाला सेक्शन चलेगा। अब देखिए क्या करते हैं, मैंने यहां से वैल्यू ले ली और अगर ट्रू अगर रिजल्ट आता है इसमें मैं क्या करूंगा, ग्रेटर। अब जब भी हम टेक्स्ट डालेंगे फॉर्मूला के अंदर उसको इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है इसमें मैं वैल्यू फॉल्स वाले सेक्शन में देता हूं लेसर, तो मैंने दो इसमें आर्गुमेंट दे दिए, दो पैरामीटर्स दे दिए कि अगर यहां पे ट्रू आए तो वैल्यू ट्रू वाला सेक्शन चले,
और अगर यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में फॉल्स आए तो वैल्यू फॉल्स वाला सेक्शन चले। टेक्स्ट वैल्यू देने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमास में देनी होती है, इसके अलावा बाकी कोई भी वैल्यू देंगे तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं। जैसे टेक्स्ट और डेट आपको इन्वर्टेड कॉमास में चाहिए, नंबर आप वैसे दे सकते हैं डायरेक्टली। तो ग्रेटर लेसर लिखा है मैंने, अब ये देखिए ये उसके वैल्यू फॉल्स है तो इसका फॉल्स वाला सेक्शन चल गया ये वाला। बट अगर ये वैल्यू अगर ट्रू हो जाती है यहाँ से तो यहाँ पे ट्रू वाला सेक्शन दिख जाता है, सिंपली स्विच करता है इन दोनों पैरामीटर्स के बीच में। ठीक है जी, वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स, तो ये इफ का फॉर्मूला हमारा यही करता है। दूसरी चीज, वैल्यू इफ ट्रू वाले सेक्शन में अगर हम कोई फॉर्मूला देना चाहते हैं, यहाँ तो मैंने टेक्स्ट दे दिया नंबर दे दिया, अब कोई चाहे कि अगर यहाँ वैल्यू ट्रू हो तो ये फॉर्मूला वर्क करना चाहिए, तो इस तरह के फॉर्मूले भी और भी दे सकते हैं। ठीक है जी, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो इफ का फॉर्मूला जो हमारा सेम यही चीज करता है। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास एंड का एक फॉर्मूला है। इसके लिए क्या करते हैं, एक सिनारियो ले लेते हैं कि हमारे पास कुछ लड़के हैं और जो इंटरव्यू देने आए हैं। ठीक है जी, अब ये लड़के इंटरव्यू देने आए हैं, इसमें क्या हुआ कि इनके काफी सारे राउंड हो गए, तीन राउंड हो गए इनके। अब जो एक राउंड में पास किया उसको यस लिखा वाई, और जो नहीं पास हुआ उसको नो लिखा। तो अलग अलग राउंड हुए इनके, किसी में पास हुए किसी में नहीं हुए। अब हमारा क्राइटेरिया ये है कि जो बंदा सारे राउंड क्लियर कर गया वो सिलेक्टेड दिखाया जाएगा। ठीक है जी, जो लड़का सारे राउंड क्लियर कर गया वो पास दिखाया जाएगा। अब एंड का फॉर्मूला क्या करता है हमारे पास, अब जैसे हमने इफ के कंडीशन में, इफ के फॉर्मूले में एक कंडीशन दी थी, यहां पे आप तीन चार कंडीशंस इकट्ठे दे सकते हैं। जैसे इसके अंदर हमने रेफरेंस दे दिया था, वहां आप कंडीशंस भी देते हैं, वही लॉजिकल टेस्ट। तो मेरा लॉजिकल टेस्ट है कि क्या ये इक्वल टू वाई है। ठीक है जी, यहां पे आप लॉजिकल एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं, लॉजिकल 1 2 3 कितने भी। नेक्स्ट है मेरा कि क्या ये इक्वल टू वाई है। नेक्स्ट, क्या ये राउंड 3 में इक्वल टू वाई है। ठीक है जी, अब ये क्या करेगा, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि एंड का फॉर्मूला जब भी लगाया जाएगा अगर सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। अब इस केस में देखते हैं कि B6Y है पर C6Y नहीं है, D6Y है, तो इसमें क्या हुआ, ये दो कंडीशन तो ट्रू देंगी ये फॉल्स देगा। तो एंड का क्या करेगा, अगर तीनों कंडीशन में से एक भी फॉल्स होती है तो ये फॉल्स देगा। अभी इधर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है कि तीनों कंडीशन ट्रू हो रही है, तीनों जगह वाई है तो इसका मतलब है तीनों कंडीशन ट्रू हो रही है। तो तीनों कंडीशन ट्रू होने के केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब क्या करते हैं, लॉजिकल टेस्ट वाला जो सेक्शन है, इफ के फॉर्मूले को क्या चाहिए, खाली ट्रू एंड फॉल्स चाहिए, तो उसका लिंक आप यहां से दे दीजिए। ठीक है जी, ट्रू फॉल्स मिल गया उसको, अब इस पे दे दीजिए कि अगर यहाँ ट्रू हो तो यहाँ पे सिलेक्टेड दिखा दे, अदरवाइज रिजेक्टेड दिखा दे। ठीक है जी, तो ये सिलेक्टेड रिजेक्टेड हमें इफ के फॉर्मूले के थ्रू हमने दिखा दिया। तो जहां ट्रू है वहां पे सिलेक्टेड आ गया, और बाकी जहां ट्रू नहीं है वहां रिजेक्टेड आ गया। ठीक है जी, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया कि तीनों कंडीशन जब ट्रू हो तभी ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है जी, तो एंड के फॉर्मूला के थ्रू कर लिया। अब देखिए इसको कंबाइंड करते हैं, जो एंड का फॉर्मूला मैंने यहां लगाया है इसको इक्वल टू से पहले तक कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि
दो साल में तो डेफिनेटली नहीं लिखूंगा मैं फॉर्मूला। इसमें जाता हूँ, इसमें जहां मैंने इसका रेफरेंस दिया है E6, वहां को सिलेक्ट करके मैं ये फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, अब देख रहे होंगे कि आपको E6 की जगह इसका लिंक नहीं दिखा रहा, जैसे यहां तो लिंक लिया हुआ है और यहां कुछ नहीं दिखा रहा। दैट मीन्स अगर ये ना भी रहे तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास इंडिविजुअल फॉर्मूला हो गया। अब इसको ड्रैग कर देते हैं, तो अब इनकी जरूरत नहीं मुझे। तो फॉर्मूले में क्या हो गया, हमारा एंड का फॉर्मूला देखेंगे लॉजिकल टेस्ट के अंदर आ गया है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे या कट करेंगे। ठीक है, कट करके यहां पेस्ट कर देते हैं। अब कट करके मैंने क्यों पेस्ट किया, अगर मैं कॉपी करके पेस्ट करता अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूं यहां पे, तो क्या होता है, रिजल्ट उल्टे पुल्टे दिखाता है। ठीक है जी, रिजेक्टेड दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं ना, तो ये लिंक उल्टे सीधे ले गया। अब यहां पे देखेंगे लिंक उल्टे सीधे ले गया। कॉपी में क्या होता है कि आपके ये जो अंदर जो लिंक्स होते हैं इनको एज पर सेल रख देता है, और उसी जगह अगर आप कट करते हैं, कट करके कोई भी वैल्यू पेस्ट करते हैं, तो आपके क्या होते हैं, लिंक जो है डिस्टर्ब नहीं होते अगर कट करके पेस्ट करते हैं, तो लिंक यहीं के यहीं है। ठीक है जी, तो इसको हमेशा आप फॉर्मूला बनाने के बाद कट करके पेस्ट करें। तो ये फॉर्मूला क्लियर है सबको कि एंड का यूज कैसे करना है। बाकी बात करते हैं और की। और का फॉर्मूला देखते हैं। अब और का फॉर्मूला एंड के फॉर्मूले से उल्टा है। इसमें क्या करते हैं कि यही कैंडिडेट है हमारे पास मान लीजिए, और इसमें आपको कुछ बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाना है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, या फिर पैन कार्ड है। अब कंडीशन कुछ इस तरह से सेट करनी है कि इन तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो ये ओके दिखाए, अदरवाइज क्या दिखाए, नॉट ओके। मतलब कि इनमें से तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट हमें दिखा दे तो हम उसका काम कर देंगे। तो अब फॉर्मूला लगाना है। अब इस जगह और के फॉर्मूले की प्रॉपर्टी देखते हैं कि और का फॉर्मूला क्या करता है। और में भी एंड के फॉर्मूले की तरह आप वैल्यूज को दे सकते हैं। ठीक है जी, वही कंडीशन चेक लगाते हैं, एक एक रेफरेंस पे सेम चीज कि यस है कि नहीं। अब इसमें क्या करेगा, और का फॉर्मूला क्या करेगा, ये चेक करेगा एक एक वैल्यू उसको कि ये वाई है कि नहीं, वाई है कि नहीं, यहां ट्रू फॉल्स आ गया। बट इन तीनों कंडीशन में से किसी एक ने भी अगर ट्रू रिटर्न कर दिया तो ये ट्रू दिखाएगा। एंड में क्या था कि सारे ट्रू रिटर्न करेंगे तो ट्रू दिखाएगा, इसमें क्या था कोई भी एक ट्रू रिटर्न कर दे तो ये ट्रू ही दिखाएगा। तो इसमें जब हम कंडीशन देखते हैं कि फॉल्स केवल वहीं दिखा रहा है जहां पे नो है, मतलब वाई नहीं है, यानी कि जब तीनों कंडीशन हमारी फेल हो गई, एक ने भी ट्रू रिटर्न नहीं किया, तो ये फॉल्स दिखा रहा है। ठीक है जी, अब इसी को इफ के फॉर्मूला में लगा देंगे अगेन उसी तरीके से। ये रेफरेंस ले लिया मैंने, लॉजिकल टेस्ट यहां से दे दिया, अब यहां सिंपल मुझे देना है ओके नॉट ओके।
ठीक जी। तो यहां पे मैंने दे दिया है इस तरह से, तो नॉट ओके दिखा रहा है। आपका काम हो गया, और का फॉर्मूला समझ गए। अब इसको क्या करते हैं कि इक्वल टू से पहले तक कॉपी कर लेते हैं और इसको वापस यहां पे इफ के फॉर्मूले के अंदर पेस्ट कर देते हैं। देखेंगे यहाँ इसका लिंक छूट गया, तो इसको डिलीट कर देते हैं और इसको कट करके वापस पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो एंड का एंड एंड और का फॉर्मूला इस तरह से काम करते हैं। एंड का फॉर्मूला सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, और का फॉर्मूला कोई भी एक ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा। अब देखते हैं कि अगर मुझे इफ से ये फॉर्मूला करना होता, मतलब एंड और का अगर मैं सहारा ना लेता तो मेरे को क्या करना पड़ता, मतलब मुझे किस प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता। अब देखिए, लंबे फॉर्मूला लगाने होते हैं उनके लिए तो कुछ ऐसा चाहिए होता है कि मतलब आपको वैसे भी नहीं समझ आएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, सिंपल प्रोसीजर बताता हूं। अगर इसके फॉर्मूला के थ्रू करना होता, पहले तो इफ के फॉर्मूला से शुरुआत करते हैं कि इफ क्या ये इक्वल टू वाई है। अब देखिए, पहला हमने चेक कर लिया कि वाई है कि नहीं। अब इसमें सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है जी, ट्रू वाले में सेक्शन में। अब इसमें क्या करेंगे, एक और इफ लगा देंगे। अगर यहां पे वाई मिल जाए तो दूसरे में ये चेक करें कि अगला वाई है कि नहीं, तो एक इफ का फॉर्मूला और चालू करेंगे। और ये अभी वैल्यू इफ ट्रू वाले सेक्शन में चल रहा है, यहां पे हम चेक करेंगे कि क्या ये इक्वल टू वाई है। हमने चेक किया, अगर यहां भी वाई है, यहां पे वाई मिलते ही वो नेक्स्ट में चेक करेगा कि क्या ये इक्वल टू वाई है, यानी कि ये जब ट्रू होगी तब वो अगले में जाएगा वैल्यू इफ ट्रू में। ठीक है जी। तो यहां पे फिर से हम एक फॉर्मूला टाइप कर देंगे, इफ का फॉर्मूला, क्या ये इक्वल टू वाई है। ठीक है जी। अगर है, अब देखिए तीनों प्रोसीजर में आ गया, पहले को चेक किया इसने वाई है तो इस वाले इफ के ट्रू में गया, दूसरे को चेक किया वाई है तो फिर इस वाले इफ के ट्रू में गया, तीसरे को चेक किया वाई है और यस, तो मतलब ये अब इसके ट्रू में जाएगा जहां हमें रिजल्ट दे देना है सिलेक्टेड। ठीक है, क्योंकि तीनों के ट्रू के होने के केस में वो अंदर आया है। और ये हमारा लास्ट इफ का फंक्शन है, तो इसके साथ हम वैल्यू इफ फॉल्स भी दे सकते हैं। अब यहां हमने दे दिया रिजेक्टेड, ठीक है जी। इस फॉर्मूला को बंद किया तो हम देख रहे हैं कि यहां पे हमने वैल्यू इफ ट्रू तो दिया है, दूसरे वाले इसमें वैल्यू इफ फॉल्स अभी खाली है, तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू इफ फॉल्स देंगे, इसके ब्रैकेट के बाद वैल्यू इफ फॉल्स दे देंगे। वैल्यू इफ फॉल्स में हमें क्या देना है, रिजेक्टेड अगेन, क्योंकि वो दूसरे में अगर नो हो गया, बाहर आ गया तो रिजेक्ट ही है। ठीक है जी। अब ये पूरा कर लिया हमने, फिर क्या है कि तीसरे वाला लास्ट वाला जो बचा, अगर पहले में ही नो होता तो वैल्यू इफ फॉल्स चाहिए, यहां पे हम दे देंगे रिजेक्टेड। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए, विदाउट एंड के ये फॉर्मूला वर्क तो कर रहा है पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसको लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब देखेंगे ये वर्क कैसे कर रहा है, तो इवैल्यूएट फॉर्मूला करेंगे। पहले इसने क्या किया, फॉर्मूला के अंदर आपका इवैल्यूएट फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे इवैल्यूएट करेंगे तो क्या होगा, ये हमें कैलकुलेशन दिखाएगा कि कैसे चली इस फॉर्मूला की। जैसे हमने इवैल्यूएट किया तो B6 में जो वैल्यू थी वो यहाँ आ गई, इसने कहा वाई थी, वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू ट्रू। ठीक है जी। यहाँ के ट्रू चला तो इसके ट्रू के सेक्शन में जाएगा, इवैल्यूएट किया, नेक्स्ट को नेक्स्ट में नो था
यह कहाँ चला गया? फॉल्स। अब फॉल्स के केस में ये इफ का ये फॉर्मूला तो छोड़ देगा सिलेक्टेड रिजेक्टेड का, क्योंकि अगर ट्रू में था तो ये क्या पिक करेगा यहां से, ये रिजेक्टेड वाला पिक करेगा, तो यहां से रिजेक्टेड पिक करके ले आया। अब देखिए पहले फॉर्मूले के ट्रू होने के केस में भी दूसरे फॉर्मूले ने लास्ट में रिजेक्टेड आपको दे दिया, अब दोनों में रिजेक्टेड है तो ट्रू है, तो ट्रू के अंदर क्या लेके आया है बाकी के फॉर्मूला से? रिजेक्टेड, तो इसको करेंगे तो ये रिजेक्टेड आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, उसी जगह सिलेक्टेड का अगर देखेंगे जहां सिलेक्टेड वाला केस है तो ये एक एक के ट्रू में जाएगा, यहां से पहले से ट्रू मिल गया, दूसरे से ट्रू मिल गया, फिर तीसरे में चेक कर रहा है, तीसरे में ट्रू मिल गया, अब तीसरे के से चेक करके ट्रू क्या मिला, इसे सिलेक्टेड मिल गया। ठीक है, तो यहां से पिक किया इसने सिलेक्टेड। ठीक है जी, यहाँ पे अब दूसरे इसमें भी ट्रू है तो सिलेक्टेड और पिक करेगा, यहाँ से सिलेक्टेड पिक किया, इसमें भी ट्रू है तो फिर ये अगेन सिलेक्टेड पिक करेगा, तो आंसर आया आपका सिलेक्टेड। तो कुछ इस तरह से वर्क करता है, बट ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। इसी जगह अगर हम मैं और के फॉर्मूले में देना चाहूं तो क्या लॉजिक लगाऊंगा, इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे? इफ का फॉर्मूला इसमें है कि लीनियंसी है हमारे पास, वैल्यू हो इकट्ठी ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या करेंगे? वाई लगाया, वैल्यू ट्रू में क्या करेंगे? देखिए पहले में ही मिल गया इसे तो पहले में ही हम कर देंगे, क्योंकि एक होना चाहिए ना, तो ट्रू में क्या करेंगे कि हम सीधे ही रिजल्ट दे देंगे। ओके ठीक है जी, पहले में मिल गया तो अच्छा है, अब मान लीजिए पहले में नहीं मिलता तो हमें दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत है, यानी कि फॉल्स में, जब ये कंडीशन फॉल्स होती है या कि नो होता है तो इफ का फॉर्मूला यहां इसके फॉल्स के उसमें लगेगा। यहां पे हमने चेक किया कि ये इक्वल टू ट्रू है कि नहीं, वाई है कि नहीं, अगर है तो यहां पे भी हमारा काम बन जाता है, हम यहां ओके दे देंगे, अब नहीं है तो फिर क्या करेंगे? फिर से एक चेक करेंगे कि पैन कार्ड तो एटलीस्ट हो, तो यहां पे चेक कर लेंगे इसको वाई से, अब यहां पे इसको वाई मिल जाता है तो फिर वही ओके, और यहां तक भी नहीं मिला तो ये लास्ट फॉर्मूला था, इसके आगे कोई वाई बचा नहीं है तो इसके वैल्यू इस फॉल्स के सेक्शन में दे देंगे, नॉट ओके। ठीक है जी, अब देखिए इसने वैसे ही वर्क किया जैसे आपका और का फॉर्मूला कर रहा था। ठीक है, एक बार इवेल्युएट फॉर्मूला करके देखते हैं, तो इवेल्युएशन में क्या है, बी फोर इक्वल टू वाई है, ट्रू गया, ट्रू है तो ओके, पहली बारी में ही ओके हो गया, इसी तरह से सारे करेगा, नॉट ओके वाला देखते हैं, नॉट ओके वाला क्या है कि लास्ट तक जाएगा, क्योंकि फॉल्स में यहां पर पहली बार इसे फॉल्स मिला तो वैल्यू फॉल्स में हमने अगला एफ का दे रखा है कि और भी चेक कर लो, क्या पता वाई मिल जाए, तो इसमें चेक किया, इसमें नो मिला इसे, अगेन यहाँ पे भी नहीं मिला, फिर उसने कहा कि एक बार और चेक कर लो फॉल्स वाले केस में, फिर देखा यहाँ पे भी नो मिला, तो अब यहां से सीधा ये नॉट ओके लेके आएगा और वो दे देगा। ठीक है जी, नॉट ओके लेता हुआ आया कैरी फॉरवर्ड, ओके तो नॉट ओके रिजल्ट आ गया। यहां तक इनमें कोई कंफ्यूजन, आपको कोई सवाल अभी तक एंड इफ और में? हेलो लोकेश जी, नेहा जी, हेलो नेहा जी, कोई सवाल है इसमें? हैं, क्लियर है लोकेश जी? क्लियर है लोकेश जी? क्लियर है सर। ठीक है, तो आगे आगे बढ़ते हैं, इफ के और फॉर्मूले देखते हैं, क्योंकि एंड और के थ्रू आपके काफी सारे काम हो जाएंगे,
ये जो कहते हैं, इस प्रोसीजर को कहते हैं नेस्टेड इफ, जहां इफ के थ्रू सारा काम कराया है, क्योंकि एंड और का जो वर्किंग है एक तरह से लिमिटेड है कुछ क्राइटेरिया पे, जहां आपको सारी कंडीशन चाहिए, जहां आपको सारी कंडीशन नहीं चाहिए। बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे हमें स्टेप बाय स्टेप ही वर्क करना पड़ता है। जैसे आपको मान लीजिए इंसेंटिव निकालना है, कई बार कुछ लोगों सेल्स का जैसे काम है, उनको हमने देखा कुछ इंसेंटिव देना चाह रहे हैं, तो एक क्राइटेरिया रेंज बना लेंगे कि किसका क्या इंसेंटिव रहेगा, इनकी सेल्स डाल देते हैं पहले। यहाँ सेल्स है और यहाँ हमें देना है इंसेंटिव। अब इंसेंटिव की जो स्लैब है, हमने कहा कि जिसमें ग्रेटर देन 40 बेचा हो उसको तो हम देंगे 500 रुपये। ठीक है जी, 500 का इंसेंटिव देंगे। जिसने ग्रेटर देन 60 बेचा हो, मतलब 60 से ज्यादा जिसने बेचा है, उसको 1000 देंगे। जिसने ग्रेटर देन 80 बेचा है उसको देंगे 1500 रुपये। ठीक है जी, ये तीन कंडीशन हो गई। तो इसको कैसे देंगे? इफ के अंदर ही देंगे। इफ अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 40 हो तो क्या करना है हमें? 500 का इंसेंटिव देना है। बट 500 का इंसेंटिव देने से पहले ये भी देख लेते हैं कि ये कहीं और, किसी और स्लैब में तो नहीं बढ़ रहा है। हाँ जी, नहीं, दोनों तरह से कर सकते हैं आप, 80 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला मैंने चूज किया ग्रेटर देन 40 वालों के लिए 500 रुपये। तो ग्रेटर देन 40 में मैं एक और लॉजिकल टेस्ट लगाऊंगा। इसके ट्रू सेक्शन में कि अगर ये ग्रेटर देन 60 है, देन क्या करेंगे इसको? इधर तो जो करेंगे करेंगे, इनके फॉल्स में क्या देना है मुझे? कि अगर नहीं है तो 500 दे देना है। ठीक है जी, इसका केस यहाँ खत्म हो जाएगा। पर अगर 60 है तो एक बार ये चेक कर लेंगे कि 80 से ज्यादा तो नहीं है। इसको यहाँ चेक कर लिया, क्या ये ग्रेटर देन 80 है? अगर मान लीजिए 80 मिल गया इसे, तो क्या कर देगा? ये 1500 कर देगा। ठीक है जी, और क्योंकि स्लैब नहीं है इसके आगे, और नहीं है तो क्या कर देगा? 1000 कर देगा। ठीक है जी, अब यहां पे एक चीज छूटी है जिसकी वजह से फॉल्स दिखा रहा है। अगर आपसे ऐसी हो जाए, क्योंकि नेस्टेड इफ लगाएंगे तो कुछ ना कुछ छूटना निश्चित है। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू। अब वैल्यू इफ ट्रू, यहां पे पूरा वैल्यू इफ ट्रू आ रहा है, वैल्यू इफ फॉल्स तो है ही नहीं। तो अगर यहां फॉल्स आए तो क्या करना है? जीरो करना है, क्योंकि उससे भी 40 से नीचे भी तो हो सकते हैं। तो बाकी जगह ये दिखा देगा जीरो। ठीक है जी, 67 का 1000 रुपीज है, 59 का 500, 87 का 1500। ठीक है, तो एज पर योर स्लैब यहाँ पे आपके आ रहा है। अगर इनका वैल्यूएशन देखना हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड
इसमें नजर आ रहा है, यहां से देख सकते हैं। पहला इसने कहा 67 था, तो 40 से तो बड़ा है, पर हमने चेक करना है क्या 60 से भी बड़ा है। फिर 60 से बड़े में आया कि हाँ 60 से बड़ा है, तो 60 से बड़ा है ट्रू हो गया। और फिर हमने कहा कि क्या 80 से भी बड़ा है, तो पता चला कि 80 से बड़ा तो नहीं है, तो 80 से बड़ा नहीं है तो इसके फॉल्स वाले सेक्शन में से उठाएगा। तो यहां से ये वैल्यू इसकी 1000 इसने पिक कर ली। अब यहाँ ट्रू था, यहाँ ट्रू था तो ये 1000 उठाएगा, और फिर यहाँ ट्रू है तो यहाँ भी 1000 ही उठाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से कुछ आप स्लैब कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसी जगह एक और चीज करते हैं कि अगर 40 है, ग्रेटर देन 40 है तो 500 मिलेगा, अगर ग्रेटर देन 60 है तो 500 तो मिलेगा, 1000 भी मिलेगा साथ में, दोनों मिलेंगे। ठीक है जी, वैसे इसको तो आप वैसे नॉर्मल कैलकुलेशन के थ्रू जिस प्रोसीजर में मैंने डाला है वैसे भी कर सकते हैं, पर बाकी तो वैसे ही हो जाएगा, बाकी तो और कोई जरूरत नहीं है, यही प्रोसीजर आपके काम आएगा। अब इसमें एक एक्स्ट्रा और दिखाते हैं, एक एक्स्ट्रा स्लैब बना देते हैं। हमने कहा कि जिसकी ये तो है ही है, जिसका जो बोनस है वो 60 से 70 के बीच में जिसकी सेल है, उसको 200 रुपए और फालतू दिया जाएगा, 200 रुपए वैसे ही। ठीक है जी, ये तो है ही है, ये सब मिलेगा, पर बीच में एक कंडीशन ये भी आ रही है कि 60 से 70 के बीच में जिसकी सेल है उसको 200 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब मैं चाहूं तो इसके अंदर भी लगा सकता हूं, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल आपको क्या करना है, दूसरे में लॉजिक को तोड़ देना है। यहां पे मैंने क्या किया, इसको ये चेक कर लिया क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, और हमारे पास यहां पे चेक करने वाली दो कंडीशन है, तो हम एंड का फॉर्मूला दे देंगे, दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। पहली चीज की 60 से बड़ा हो या बराबर हो, दूसरी चीज 60 से 70 से छोटा हो या बराबर हो। ठीक है जी, दो कंडीशन लगा दी इसमें एंड के फॉर्मूला के थ्रू, क्योंकि ये दोनों ट्रू होंगी तभी चलना चाहिए। अब यहां पे मैंने ले लिया ट्रू हो तो ये 200 ले ले, अदरवाइज 0 ले ले, तो यहां ये मेरा प्रमोशनल बेनिफिट हो गया इनको। तो यहां 60 से 70 के बीच में अगर कहीं आ रही होगी, यहां देखते हैं, यहां आना चाहिए था पर आया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो ठीक है, ये 60 से 70 है, ये 60 से 70 के बीच में पड़ रहा है। एक तो ये 60 से बड़ा भी है, 60 से बड़ा है तो यहाँ 70 बड़ा है। यहाँ क्या हुआ एक बार देख लेते हैं, फॉर्मूला में अगर कहीं वैल्यूएशन गलत आता है तो यहाँ से 63 60 से बड़ा है, ठीक है, ये भी रेफरेंस गलत गई हुई है। ओके ओके ओके, ये जी 103 ले गया है ना, ये जो है ना हमें 200 रुपए देना था, हमने वैसे रेफरेंस दे दिया, चाहे तो मैनुअल डाल सकते हैं, अगर रेफरेंस अगर आप डाल रहे हैं, रेफरेंस डाल रहे हैं इसको, तो आपको फिक्स करके डालना पड़ेगा। ठीक है जी, डॉलर आगे पीछे चाहिए। अब डॉलर की क्या स्टोरी होती है मैं बता देता हूं आपको। हाँ, तो अब चेक करेंगे तो अब सही आएगा। अब इनको क्या करना है, मैंने इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइंड करना है, तो इसमें तो कुछ है नहीं, दोनों ये भी मिलेगा, इसको इक्वल टू से पहले कॉपी कर लेंगे, यहां और इसमें चले जाएंगे। अब इस वैल्यू में प्लस होना चाहिए,
ऐसा, ठीक है जी। तो ये सिंपल फॉर्मूला क्रिएशन की ट्रिक्स हैं, ठीक है जी। अब इसकी जरूरत नहीं, पर हमारे दोनों स्लैब का काम हो गया। तो फॉर्मूले को हमेशा लॉजिक तोड़ के इसी तरह से बनाया जाता है, अलग अलग करके। एक जगह लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो काफी चीजें गड़बड़ होने की संभावना रहती है। कई बार चले ना चले, या कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो गया तो नहीं, हमें ही नहीं समझ आए। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। बाकी डॉलर का कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ कि फिक्स कैसे करते हैं और क्या होता है। जब हम इक्वल टू करके कोई रेफरेंस लेते हैं, ठीक है जी, इक्वल टू कर्व के रेफरेंस लेते हैं, तो एक लिंक क्रिएट करता है यहां से इस वैल्यू के बीच में, गरम करना। और जब आप इसको ड्रैग करते हैं, अब देखिए यहां जो आ रही है आपकी रोज है, जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यहां जो आपके आ रहे हैं कॉलम है। जब आप इसको ड्रैग करते हैं तो होता क्या है एक्चुअली, पहले में हमने तो A2 दिया था, पर जब नीचे किया तो A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। मतलब जब हम रो में ड्रैग करते आए तो ये जो इसके पीछे का नंबर है, जो कि रो है, वो इंक्रीज होती आई, ठीक है जी। इसी तरह से जब हमने इसे कॉलम की दिशा में इंक्रीज किया, कॉलम में इंक्रीज कर रहे हैं हम, ठीक है जी, आई का जे, जे का के, तो यहां पे क्या हुआ, यहां देख रहे हैं A2 है, यहां देख रहे हैं B2 है, यहां देख रहे हैं C2 है। तो यानी कि कॉलम इंक्रीज होने लगे। तो सिंपल सी है कि यहां जैसे आप बढ़ते कॉलम में चलेंगे तो कॉलम इंक्रीज होंगे, बढ़ती रो में चलेंगे तो रो इंक्रीज होगी। तो इसको रोकने के लिए, जिसका इंक्रीमेंट आपको रोकना है, उसके आगे आपने डॉलर लगाना है। सपोज कि ए जो है हमारा यहाँ कॉलम है, हम कॉलम के आगे अगर डॉलर लगाएंगे तो कॉलम में इंक्रीमेंट नहीं होगा। यानी कि जब मैं इसको यहां ड्रैग करूंगा तो ये ए से बी में चेंज नहीं होगा, ठीक है। पर मैंने 2 को फ्री छोड़ा है, 2 में मैंने कुछ नहीं लगाया, तो इसको जब ड्रैग करूंगा तो ये A2 से A3, A4, A5 ये सब बनेगा, 5 चलेगा। पर अब बात करते हैं, मैंने जब लगा दिया है 2 के आगे भी डॉलर लगा दिया तो अब ये भी रुक गया, अब ये फिक्स हो गया। इसको चाहे मैं कॉलम में खींचूं, यहां चाहे इसको मैं रो में खींचूं, ये A2 का A2 ही रहेगा हर जगह, ठीक है जी। क्योंकि जिसको आप रोकना चाहते हैं बढ़ने से, उसके आगे बस आपने डॉलर फिक्स करना है। अब मान लीजिए ए के आगे से डॉलर हटा देता हूं, 2 के आगे लगा रहने देता हूं खाली, तो क्या होगा कि जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो यहां A2 से B2 हो जाएगा, बट ये A2 का A2 ही रहेगा रो में जब करेंगे, मतलब रो में इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो ये फुल डॉलर का कॉन्सेप्ट है। बाकी डॉलर के कॉन्सेप्ट को हम यूज इसलिए करते हैं कि कई आज जैसे कि आपने देखा कि यहां पे मैंने एक रेफरेंस लिया था, अभी जब इसको मैं ड्रैग करता हूँ ये वैल्यू चेंज होती है। अब इसको फिक्स करना था इसलिए वैल्यू गलत आ रही थी। अब फिक्स करने के लिए मैंने कहाँ डॉलर लगाया, दोनों के मतलब ये जहां भी बढ़े वैसा का वैसा ही रहे, ठीक है जी। बाकी लॉजिकल फॉर्मूलाज में एक फॉर्मूला देख लेते हैं। हमने एंड देखा, इफ देखा और देखा। बाकी दो फॉर्मूला जो है इसमें आपके किसी काम के नहीं है, एक ट्रू का एक फॉल्स का, क्योंकि जो ट्रू फॉल्स हमें लॉजिकल ऑपरेटर से रिटर्न होता है, ये फॉर्मूला भी वही रिटर्न करता है। तो इस फॉर्मूला का कोई वैसे तो काम नहीं है, ये ट्रू का ट्रू ही रिटर्न करेगा आपको और फॉल्स का फॉल्स रिटर्न करेगा।
बाकी एक हमारे पास है नॉट का फॉर्मूला। नॉट का फॉर्मूला क्या करेगा, जैसे आपने कंपैरिजन करके कोई चीज, जैसे मैंने कहा एक ग्रेटर देन टू फॉल्स दिखा रहा है। अब नॉट का फॉर्मूला क्या करता है कि रिवर्स कंडीशन के लिए होता है, इसमें जो भी डालेंगे वो उल्टा हो जाएगा, सिंपल सिंपली उल्टा हो जाएगा, चाहे कंडीशन डाल दें चाहे कुछ। अगर वो ट्रू रिटर्न कर रही होगी तो फॉल्स दिखाएगा, फॉल्स रिटर्न कर रही होगी तो ट्रू दिखाएगा, ठीक है जी। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, डेटा वैलिडेशन में। हाँ जी, क्या चीज? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है जी। तो नॉट का बस काम इतना ही कि ये किसी भी चीज को रिवर्स कर देता है, आपकी ट्रू फॉल्स की वैल्यूज को रिवर्स कर देता है। बाकी आप लोग जब वी लुक अप लगाएंगे तो आपका एरर से सामना होगा, या फिर कुछ ऐसा काम करेंगे जहां एरर आती है। अब जैसे मैं एफ इसको डिवाइड बाय जीरो करो, अब डिवाइड बाय जीरो हमेशा एरर ही होता है। उसके अलावा अगर अब वी लुकअप, अच्छा नॉट, नॉट का फॉर्मूला, नेहा जी नॉट का फॉर्मूला दोहराना। नॉट का फॉर्मूला, हेलो हेलो, हाँ जी। देखिए इसमें जो अभी हम लॉजिकल कंडीशन देते हैं ना, जैसे मैंने इसमें लॉजिकल कंडीशन दी है कि E3 इज ग्रेटर देन F3, मतलब क्या ये एक दो से बड़ा है? जाहिर सी बात है नहीं बड़ा है। तो इस रिजल्ट को रिवर्स करने के लिए, उसको उल्टा करने के लिए कि ट्रू की जगह फॉल्स दिखाए, फॉल्स की जगह ट्रू दिखाए, तो आप नॉट के फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। नॉट का फॉर्मूला क्या है कि अगर इसमें ट्रू जाएगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स जाएगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आप सिंपल नॉट के फॉर्मूले के अंदर में ये खाली ट्रू लिख देता हूँ तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। और इसके अंदर फॉल्स लिख देता हूँ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, बस ये रिवर्स कर देता है। ये कहाँ चाहिए होता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे आपने करी होगी, तो उसमें जब हम न्यू रूल पे जाके यूज फॉर्मूला करते हैं तो ये मांगता है कि फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, तो ट्रू मांगता है। अब मान लीजिए कोई चीज है कि आप कह रहे हैं कि ये जब इसके बराबर हो, बराबर ना हो तब कलर करें। अब बराबर ना हो के लिए नॉट इक्वल टू आएगा, ठीक है जी। तो आपने इक्वल टू लगाया और नॉट के फॉर्मूले के अंदर डाल दिया, तो इसको क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। कि मतलब जब इसके ये बराबर हो, आपने कहा कि जब इसके बराबर ना हो, बराबर ना हो के लिए क्या करेंगे, ये ट्रू जब दिखाएगा जब ये बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे ट्रू दिखा दिया, अब यहाँ पे कलर करना है, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला आपका इक्वल टू का यहाँ से कॉपी होके इसके अंदर चला जाएगा, नॉट के अंदर। मतलब आप नॉट इक्वल टू ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, और नहीं तो ये इक्वल टू करके नॉट के अंदर डाल दीजिए, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट बात कर रहे थे हम एरर्स की, जैसे कई तरह की एरर आती हैं आपकी। एक एरर ये भी है आपकी, या एक एरर ये है, तो ये एरर्स वगैरह कभी आती हैं आपके पास। अब क्या होता है कि जब शीट को ऑटोमेट करते हैं ना, तो हमारे पास फॉर्मूला ही डालने होते हैं, उसमें वैल्यू तो जब आएगी तब आएगी, फॉर्मेट बना दिया हमने। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इफ एरर का फॉर्मूला यूज करते हैं। इस एरर का फॉर्मूला क्या करता है कि जहां पे एरर है वहां पे आपका कस्टम मैसेज दे सकता है या कुछ
आप इसमें फॉर्मूला दे सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ब्लैंक देता हूँ, मतलब कुछ नहीं देता। तो है इसका फायदा क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय इसका फॉर्मूला लगाया था, मैंने कॉपी किया और इसके अंदर एक्सटेंड में डाल दिया, ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि जीरो है, कोई एरर आ रही है तो आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, ब्लैंक दिखाएगा, फॉर्मूला वही है, पर यहाँ पे कोई वैल्यू होगी ठीक ठाक, जहां एरर नहीं होगी तो आपको वैल्यू दिखाएगा। अभी लुकअप में क्या होता है, मान लीजिए ये चीज हमने खाली छोड़ रखी है तो यहाँ पे एरर दिखाएगा आपको, हैश है नहीं, मतलब उस करंटली तो कुछ नहीं मिल रहा है, पर जैसे ही वैल्यू डाल देंगे तो उस एरर को डील करने के लिए हम इफ एरर का फॉर्मूला यूज करते हैं। इफ एरर में दो ही चीजें हैं, वैल्यू एंड वैल्यू इफ एरर। अगर इस फॉर्मूले में आपके दिक्कत आ जाए तो वैल्यू इफ एरर में कौन सी चीज है, हम मोस्टली ब्लैंक देते हैं, ठीक है जी। तो ये था आपका फॉर्मूले का, ये लॉजिकल फॉर्मूले का सेशन, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी लोकेश जी, नेहा जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। इफ एरर का यूज सिर्फ एरर में ही होता है मैम, जहां एरर आती है ना तो आपको ब्लैंक दिखाना है। अब देखिए मैं आपको ये सैंपल दिखाता हूँ, यहां से डिलीट कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने एक फॉर्म बना दिया, एक फॉर्म बना दिया और इसमें मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया कि इसको मुझे इससे डिवाइड करना है, ठीक है जी। फॉर्मूला ड्रैग कर दिया, अब देखिए क्या आया, जब तक वैल्यू नहीं पड़ी है तब तक ये एरर दिखाएगा, वैल्यू पड़ेगी तो ठीक आएगा आपका, ठीक है। फॉर्मूला वर्क कर रहा है, बट दिक्कत क्या है मुझे कि मुझे ये चीज दिखानी ही नहीं है, ये एरर दिखानी ही नहीं है। मैंने सिंपल इतना कर दिया कि अगर इसमें एरर आए तो क्या करना है, तुम ब्लैंक रखो, इसका फायदा क्या होगा कि ये जो आपकी एरर हैं ये दिखाई नहीं देंगी आपको, बस। अब आप इसमें वैल्यू डालिए और रिजल्ट मिलेगा आपको, फॉर्मूला लगा भी है नहीं लगा पता नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। बस इतना सा यूज है इसका, इससे ज्यादा यूज नहीं करते। और कोई डाउट, तो फिर सेशन ऑफ करते हैं।